हम एक दूसरे को अलग अलग पॉइंट्स मार रहे थे। हम जब बैठे तो हमने रियलाइज करा कि प्रूव करें कि भाई तुम जैसे बंदे थे पहले, जो तुम्हारे अंदर बुराई थी, ऐसा तो कोई नहीं होता कि हर आदमी पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि अभिषेक मलानो और अरविश यादव की एक टाइम पर नेगेटिव पीआर को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो जब वो दोनों मिले थे और उनके भी डिस्कशन भी हुई थी, पर वहाँ क्या बातें हुई थी, तो हाल ही में उस चीज के बारे में अभिषेक मलान ने बताया अपने चैनल पर, जो कुछ ये है। बोल सकते हैं क्या? हम बोल सकते हैं। ये रोस्ट मोड नहीं है ब्रो। आज हमने बहुत गहरी डिस्कशंस करी हैं। हाँ सच्ची में। जिससे अलविश को रियलाइज हो गया कि वो गलत था। दिस इज नॉट अ रोस्ट, दिस इज एक्चुअली वी वर टॉकिंग और हम एक दूसरे को अलग अलग पॉइंट्स मार रहे थे। हम जब बैठे तो हमने रियलाइज करा कि ठीक है, एक बैंटर था वन ऑन वन हमारा। वो कुछ बोल रहा था, हम कुछ बोल रहे थे, वो कुछ बोल रहा था, फिर हम तो चुप्पी हो गए थे। हमने कहा हमें नहीं बोलना, मतलब टू एंड फ्रो चल रहा था। बट जो हमने रियलाइज करा इज दैट यार, हम बिग बॉस में जितने प्यार से जितने अच्छे हम रहे ना, एकदम भाईचारा ऑन टॉप। और अगर तुम नोटिस करो बिग बॉस ओटीटी में एक बहुत पॉजिटिव वाइब थी यार, मैं और एल्विश जैसे थे, भाईचारा ऑन टॉप था। वो हमने रियलाइज करा कि होना भी चाहिए और हमेशा आगे रहना चाहिए। तो फिर हमारी सारी भसड़े खत्म हो गई एंड नाउ वी आर बैक, भाईचारा ऑन टॉप। नहीं नहीं हर सीजन में आपको बुलाएंगे। अरे वहाँ आप बोल दिए ना तो ये लोग। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में दोस्तों, अलविश यादव का सिस्टम क्लोथिंग ब्रांड है जो अपनी ऑडियंस को सेल करते हैं। तो हाल ही में अलविश यादव ने एक पोस्ट की जहां जैकेट के पीछे श्री राम जी की फोटो लगी थी और नीचे जैकेट का प्राइस लिखा था 1499। तो एक ही से लोग भड़क गए और अलविश यादव को कहने लगे, वाओ इन्फ्लुएंसर्स आर गोइंग सो फार बाय डूइंग बिजनेस इन नेम ऑफ रिलीजन एंड व्हाट अबाउट सॉन्ग फुल ऑफ न्यूडिटी, शेम ऑन अलविश यादव। अगले लिखा, धर्म के नाम पर लाखों कमा रहा है, 300 रुपए की हुडी खरीद कर 200 रुपए का वाटर प्रूफ स्टिकर लगवा सकते हो आप सब, धर्म को धंधा बना दिया है ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप ही देखिए इस कलयुग में कुछ चतुर चालाक लोग आपके नाम का प्रयोग करके धंधा कर रहे हैं। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में अलविश यादव को उनके फैंटम्स हर जगह ट्रेंड करवाते हैं। तो सी से अलविश यादव खुश होने के दौरान ये खाए और बताया कि वो बदले नहीं है बिल्कुल भी, और अगर बदले हैं तो इस वजह से, जो आप भी देखिए। मैं सबसे पहले भाई सभी लोगों को थैंक्स करना चाहता हूँ यार, जितने भी मेरे फैन क्लब्स हैं ना भाई, मैं देखे बहुत सारे और इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे बहुत सारे फैंडम्स ट्वीट करते हैं जो, और खूब सपोर्ट करते हैं, ट्रेंडिंग पे लेके आते हैं मेरा नाम भाई, सो लवली माँ का सम भाई, आई एम वेरी ग्रेटफुल। और जिसको ऐसा लगता हो ना कि आई एम चेंज्ड, ऐसा कुछ नहीं है भाई, इफ़ आई एम चेंज्ड तो आई हैव चेंज्ड फॉर गुड, मतलब आई एम अ बेटर पर्सन जो मैं पहले था। और मेरे हिसाब से दिस इज़ लाइफ, ऐसे ही होता है हर बारी कि इफ़ यू आर ग्रोइंग तो ग्रो ऑन अ पर्सनल लेवल, मतलब काम धंधा वाइज भी ग्रो करें और पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव करें कि भाई तुम जैसे बंदे थे पहले, जो तुम्हारे अंदर बुराई थी, ऐसा तो कोई नहीं होता कि हर आदमी परफेक्ट है भाई। मैंने बोल दिया मैं परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं बिल्कुल सही हूँ, ऐसा नहीं होता भाई। थी हम में भी कमियाँ, अब धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। तो कई लोगों को हजम हो रहा, कई लोगों को हजम नहीं हो रहा, कई लोगों को क्या शैतानी कर साढ़े पहले जैसी, शैतानी करने के टाइम पर शैतानी करेंगे यार, अब ना समझ आ गई। मतलब अब ऐसे होता है कि सपोज पहले किसी को भी कुछ भी कह दिया, अब सोचते हैं कि अपने आप को उसकी जगह रख के देखे तो कैसा लगेगा, ये चीज़ समझ रहे हो। तो वो एक थोड़ा सा आया है, अब इसको तुम कुछ भी कह लो, बुढ़ापा कह लो, बुढ़ापा एलिस भाई तुम तो बूढ़े हो गए, बट ऐसा नहीं है। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में जिया शंकर ने फैंस को लेकर एक ट्वीट किया और कुछ ये कहा, इफ यू आर माई फैन एंड स्पीक लाइक माई हेटर, डोंट क्राई इफ यू गेट ब्लॉक बिकॉज आई डी नॉट नो द डिफरेंस, ब्लॉकिंग अवे ऑल द नेगेटिविटी। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में अभिषेक मलान ने एक वीडियो पोस्ट किया था यूट्यूब पर, फुकरा इंसान लाइव चैनल पर, और ये सलमान खान वाला। तो इस चीज को लेकर लोग कहने लगे कि आप मनीषा को रोस्ट कर रहे हो। तो ये चीज पर अभिषेक मलान ट्वीट करते हुए ये कहे, आई वॉन्ट से लॉट ऑफ पीपल एज माई लेटेस्ट वीडियो हैज ओवर 98% लाइक रेशो, बट फ्यू पीपल डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन रोस्ट एंड अ रिएक्शन वीडियो। और अगर तुम अपने दोस्त से मजे नहीं कर सकते हो तो तुम दोस्त किस बात के, बाकी एक रोस्ट वीडियो बनाते हैं टॉपिक बताओ। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में तेल का प्रैंक जो बिग बॉस से एविक्ट हो गए थे एक लड़ाई के चलते, तो क्या वो बिग बॉस के अंदर वापस आ सकते हैं, जिनके नाम से ट्रेंड भी चला था। तो हाल ही में कलर्स डीव ने ट्वीट किया, सब याद कर रहे हैं तेल का प्रैंक के हसाने को, क्या आप चाहते हैं वो वापस आए बिग बॉस के घर में, टेल अस। तो इस चीज के नीचे लोगों ने बहुत ज्यादा हाँ कमेंट किए। दोस्तों का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।